अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी। अच्छा अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। उम्मीद कर रहा हूँ। ये हम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज सेकेंड ईयर फिजिक्स। मैग्नेटिज्म ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैं अभी ये करने जा रहा हूं कि इस वक्त हम जो मैंने चैप्टर लिखा हुआ है, मैं इस चैप्टर को आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और अच्छा, ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन कैसी होगी और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस तमाम के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, इस वक्त मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर और इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों के जो क्वेश्चन है उसको फिर मैं एंड में रखूंगा, एंड में आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। आप मुझसे बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी पूछ रहे हैं, कुछ एमकैट के हिसाब से पूछ रहे हैं, कोई डिफरेंट चैप्टर सजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे मुझे वेलकम कर रहे हैं, तो जो तमाम लोग जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है उनको वालेकुम अस्सलाम। तो मेरा ख्याल है चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका नाम है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ बात कर रहा हूं आपसे किसकी, मैग्नेटिज्म की बात करूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 14 का पहला हिस्सा है, या कह लें कि 80% हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो मैग्नेटिज्म है। तो हम इसको कर रहे हैं, वजह क्या है इसको स्टार्ट करने की, वजह बड़ी सिंपल सी है कि मैं क्या कर चुका हूं, चैप्टर नंबर 13 की थ्योरी कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो मैंने सोचा कि बाकी वीडियोस जो है वो बनाने में, उनको एडिट करने में टाइम जो लगना है, उससे बेहतर ये कि मैं लाइव आपके आके इसको समझा दूं। सो पढ़ने का तरीकेकार क्या है, ये बहुत अहम बात है जो इस वक्त आपको समझनी है। इस वक्त जो तरीकेकार है हमारे स्टडी का, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड दैट इज द कोचिंग बेस्ड स्टाइल। मेरी बात समझे, जिस तरीके से हम लोग कोचिंग में पढ़ाते हैं उसी तरीके से कोचिंग बेस्ड स्टाइल है, यानी हम चीजों को उसकी थ्योरी को उस लेवल तक ही समझेंगे जिस लेवल तक हमारे इंटरमीडिएट FSC के कोर्स में दिया हुआ है। जो हमारी बुक है, ये हमारी बुक है सिंटैक्स बुक बोर्ड की जो किताब है फिजिक्स की, मैं इसको फॉलो कर रहा हूं और इस वक्त कराची कह लें, हैदराबाद कह लें, पूरे सिंध में यही बुक इस्तेमाल हो रही है। तो पूरे सिंध के हिसाब से इस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं, हमारी ये बुक है, मेरा ख्याल है फेमिलियर बुक है, आप लोग इस बुक से वाकिफ हैं, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 14 है मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। स्टाइल कोचिंग स्टाइल होगा हमारा, जिस तरह हम कोचिंग सेंटर के अंदर पढ़ाते हैं कि हम जो डेरिवेशन है, जो टॉपिक है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसकी डेप्थ को उतना ही रखेंगे जितना इंटरमीडिएट में, मजीद डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और मजीद डेप्थ की के हवाले से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम रिलेट करें अगर फेडरल बोर्ड के हिसाब से, या इसको रिलेट करें कुछ हायर लेवल के हिसाब से, तो उसमें इसलिए नहीं जाऊंगा, वो जाना चाहिए, लेकिन वो एम कैट के हिसाब से है या ई कैट के हिसाब से, मतलब वो एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से। सो राइट नाउ हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म सेकेंड ईयर फिजिक्स, ओके। तो सबसे पहली बात यह है कि मैग्नेटिज्म क्या है, इसकी इब्तिदा कहां से हुई। देखिए, करंट हम चैप्टर नंबर 13 में पढ़ के आए हैं,
थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता देना चाहता हूं। उस वक्त जो करंट था हमारे पास वो करंट नहीं था जो इस वक्त इस कमरे में मौजूद है, पंखे में आ रहा है, इस बल्ब में आ रहा है, यहां पर ये वाला करंट उस वक्त मौजूद नहीं था। इस करंट को हम कहते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट। उस वक्त जो करंट था उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, मतलब जो बैटरीज का होता है। जिस तरह हमारे मोटरसाइकिल के अंदर एक बैटरी लगी है, हमारे कार के अंदर एक बैटरी होती है जिसके अंदर हमने केमिकल डाला होता है, राइट? तो वो बैटरीज ही हमारे पास। आपने नोट किया होगा अगर आप अपने घर में जो यूपीएस है या आपकी कार की जो बैटरी है या मोटरसाइकिल की बैटरी है सॉरी, आपने उसमें नोट किया होगा उसमें उसमें कैप लगे होते हैं ऊपर, है ना? तो बाजू का जो होता है उसमें जो एसिड होता है या जो उसमें केमिकल है वो कम हो जाता है। तो करते क्या है, उन कैप को खोल के थोड़ा सा पानी उसमें डाल देते हैं और लेवल को इक्वल करते हैं। तो कितने कैप लगे होते हैं, तो उसमें जो कैप लगे होते हैं वो 6 कैप होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जो एक कैप लगा हुआ वो एक सेल है, राइट? तो हमारी जो बैटरी है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर हम बैटरी की बात करें कि जो बैटरी है ये हमारे पास क्या है, तो मैं इसे बोलूंगा दिस इज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर हमने एक बैटरी बनाई है। तो उसमें कितने सेल हैं, उसमें 6 सेल हैं। हर सेल के वोल्टेजेस कितने हैं, 2 वोल्ट, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 12 वोल्ट की या 12 वोल्ट की बैटरी हमारे पास मौजूद होती है। मेरा ख्याल आसान सी बातें समझ में आ रही होगी। इसका मतलब है कि हमारे पास उस जमाने में जो करंट था वो डायरेक्ट करंट था और वो ये केमिकल वाला करंट था हमारे पास। यानी हम अगर आप किसी केमिस्ट्री की लैब में जाएं तो आप वहां देखेंगे कि एक पॉट सा होता है, एक बर्तन सा होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला होता है, उसमें एक रॉड को डिप किया होता है, बाहर एक और केमिकल पॉट होता है उसमें रखा होता है। तो वो जो था तकरीबन 1.5 से 2 वोल्ट जनरेट करता है वो। तो उस किस्म के केमिकल वाले करंट हमारे पास मौजूद थे और इन करंट के होने की के लिए भी हम थैंक्सफुल हैं बायोलॉजी के। यस, आप बोलेंगे बड़ी हैरत की बात है, आप बायोलॉजी का नाम ले रहे हैं। बायोलॉजिस्ट जो करते हैं क्या कहते हैं उसको, जो ये मेंढकों के साथ और ये फ्रॉग के साथ और बाकी डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, दे आर यूजिंग केमिकल। उन केमिकल के बाद वो जो लिम्स होते थे फ्रॉग्स के वो वाइब्रेट कर रहे होते थे। तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया कि देयर इज ए चार्ज विच इज फ्लोइंग और फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं। तो बहरहाल वो करंट था हमारे पास जिसको हमने फिजिक्स में अडॉप्ट किया और हमने इसके ऊपर मजीद बात की। तो ये वाला करंट हमारे पास मौजूद था। तो हम आपको लेके जा रहे हैं कौन से टाइम में, हम आपको लेके जा रहे हैं 1819 के अंदर। सो 1819 के अंदर एक फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये हमारी बुक में लिखा हुआ नाम, ठीक है? क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने क्या करना था, उसने कोई लेक्चर देना था अपने फिजिक्स के स्टूडेंट को। तो वो लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था अपनी लैब के अंदर। अब आप इसको लकीली कहें, इसको एक्सीडेंटली कहें, या आप कहें कि कुदरत शायद ये बात चाहती थी। हुआ ये कि एक वायर, जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा था, तो मैं इस करंट को आई लिख देता हूं, उसके पास वो एक ऐसे डिवाइस को लेकर आया जिसको आज हम क्या बोलते हैं, कंपास कहते हैं। कंपास आपने देखा होगा, एक सर्कुलर सी डिस्क होती है जिसके अंदर एक नीडल होती है और वो जो नीडल होती है वो उसमें एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ लिखा होता है, आपने देखा होगा। तो वो जो कंपास होता है वो जमीन का जो नॉर्थ है और जमीन का जो साउथ है उस तरफ उस नीडल ने अपने आप को अलाइन किया होता है। तो नीडल को अलाइन, वो वापस जमीन के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ हो जाता है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नीडल है वो जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन करके रखती है। तो वो इस कंपास को जब इस वायर के पास लेकर आया तो कंपास की नीडल ना गोल घूमने लग गई। तो ये क्या करने लगी, गोल घूमने लग गई। ये बड़ी अजीब सी बात थी उसके लिए, क्योंकि कंपास की नीडल जो है वो जमीन का जो नॉर्थ एंड साउथ है उस डायरेक्शन में उसने अपने आप को अलाइन किया होता है। तो वो अपनी अलाइनमेंट से हट गई, ये मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसने यहां से जो कर ये की, ऑब्वियस सी बात है नीडल अपनी जगह से क्यों है, इसलिए क्योंकि नीडल को कोई और मैग्नेटिक फील्ड मिल गई है, क्योंकि नीडल अपने आप को अलाइन करती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसने ये डिस्कवर किया वो वायर जिसमें से करंट गुजर रहा होता है उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिवेलप होती है। अभी मैं थोड़ा सा जरा जल्दी मैंने कर दिया कि इसको मैंने बी से लिख दिया, बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर इट कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ऊपर एरो लगाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, सारी चीजें भी आ जाएंगी। सो ही हैज डिस्कवर्ड कि जब चार्ज फ्लो करता है, जब करंट होता है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ द क्रिश्चियन ऑर्स्टेड 1819। और ये जो मैंने अभी जुमला बोला है, यही जुमला हमारे इस मैग्नेटिज्म की बुनियाद है, इस मैग्नेटिज्म की बेसिस है।
तो अब हमने एक चीज याद रखनी है, और वो क्या बात याद रखनी है, हमने ये बात याद रखनी है कि हम ये कहेंगे कि मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज को मैं कोई दूसरा नाम देना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, करंट। तो मूविंग चार्ज मतलब करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या चीज, मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। सो मूविंग चार्ज करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करते हैं? देखिए हम जो ह्यूमन बीइंग थे वो एक जमाने से मैग्नेट्स के बारे में जानते थे। मैग्नेट के बारे में भी हमें कुछ ऐसे ही पता चला था, कहते हैं कि जी स्टोरी कुछ इस किस्म की है, असल बात हमें आज तक नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर यही स्टोरी सबसे सुनने को मिलती है कि एक जो था वो लक्कड़हारा था, मजदूर था, और वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने अपनी वो जो कुल्हाड़ी होती है वो एक पत्थर पे रखी, और जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वो पत्थर के साथ क्या हो गई, चिपक गई थी। तो वहां से पता चला था कि कुछ मटेरियल होते हैं जो लोहे को अट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें हमने मैग्नेट कहा। तो मैग्नेट से हम इंसान बहुत जमाने से वाकिफ थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं अगर आपसे पूछूं कौन प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, द आंसर इज वेरी सिंपल कि मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैं कहूं कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मूविंग चार्ज क्या बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, इसका मतलब है जो चार्ज मूव करता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, या जो मूविंग चार्ज या जो करंट है वो क्या प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी, ये वो चीज है जिसको अब हम बेस बनाएंगे और इस पूरे मैग्नेटिज्म में चलेंगे। अब कभी भी इस चैप्टर में जब भी मैं आपसे कहूं एक चार्ज मूव कर रहा है, तो उस मूविंग चार्ज को आप एक मैग्नेट की तरह देखोगे, आप ये देखोगे कि वो चार्ज एक चार्ज नहीं बल्कि वो एक मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हुआ ये है कि 1820 के अंदर मशहूर जमाना किस्म के साहब जिनका नाम है एम्पियर, जिनके ऊपर करंट का यूनिट हमने एम्पियर भी रखा हुआ है, तो एम्पियर साहब ने ये नोट किया कि दो वायर जिनमें से करंट गुजर रहा है। अच्छा, अभी मेरे लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो दोनों वायर्स हैं इन दोनों में से जो गुजरने वाला करंट है वो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में, इट डजंट मैटर। ओके, द थिंग दैट मैटर इज कि व्हेन देयर इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू टू वायर्स, द वायर्स अप्लाई ए फोर्स ऑन ईच अदर, दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे कि अट्रैक्शन है या रिपल्जन है। बट एम्पेयर ने ये बात मालूम की, एम्पेयर ने बात डिस्कवर की कि दो वायर जिसमें से करंट गुजर रहा होता है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रही होती है, फोर्स अप्लाई कर रही होती है, राइट। और ये फोर्स की जो नेचर है वो ट्रूली मैग्नेटिक फोर्स है, ये बिल्कुल वैसे ही फोर्स है जिस तरह दो मैग्नेट एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। और लेटर ऑन उसने ये डिस्कवर किया कि अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ दो पोल हैं, तो उसने नोट किया कि वो मटेरियल जो कि मैग्नेट होता है उसमें एक बहुत ही खास किस्म का जो चार्ज है वो क्या कर रहा होता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ही मामूली सा बट करंट होता है, दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन। और ये बात चैप्टर नंबर 13 में मैं आपको बता चुका हूं कि चार्जेस का किसी एक डायरेक्शन में मूव करना, जिसे मैंने आपसे कहा था जो वेलोसिटी बन जाती है, उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसके लिए आप चैप्टर नंबर 13 की जो सबसे पहला लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो जो चार्जेस अब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस कि बहुत मामूली सी वेलोसिटी होती है उन मटेरियल में जिनको हम मैग्नेट कहते हैं। तो यहां तक जाकर हमने जो चीज डेवलप कर ली है वो ये डेवलप कर लिया है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और करंट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, और करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मेरा ख्याल ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक ओके है, आई बिलीव सो। लेट मी रीड योर कमेंट्स जो अभी तक आ रहे हैं। ओके, अभी आगे बात कर रहे हैं, अभी सुनते जाएं, इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस के जवाब आपको मैं आज दे दूंगा। यहां तक मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आगे बात करते हैं।
अब बात यह है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो एक स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर चार्ज पार्टिकल हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर ये तमाम कहानी करके आए हुए हैं कि हम जब भी चार्ज को पढ़ते हैं तो हम पॉजिटिव चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये मेरे पास एक चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, कन्वेंशनली हमने लिया हुआ है, और ये चार्ज इस वक्त किस में है, एट रेस्ट में है। तो अगर ये चार्ज रेस्ट में है तो याद रखिएगा ये चार्ज जो कुछ प्रोड्यूस करेगा उसे हम कौन सी फील्ड कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है सो इट विल प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, कूलम वाली जो फोर्स है हमारे पास। और अगर इसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवा दें तो इस चार्ज पार्टिकल की एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और जब ये मूव करने लगेगा विद सम वेलोसिटी तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। आप नोट करें मैंने यहां पे वी लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा है, मैं वेलोसिटी से मूव करा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बुनियादी जो फिजिक्स है वो आपको पता होगी कि जब कोई चीज मूव करती है तो दो तरीके होते हैं उसके मूव करने के, इधर इट कैन मूव विद यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट वेलोसिटी या स्पीड कह लें इसको आप, या इट कैन एक्सेलरेट, मतलब कि वो हर अगले सेकंड में अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती चली जाए या अपनी वेलोसिटी को कम करती चली जाए। सो वी हैव एक्सेलरेशन एंड वी हैव वेलोसिटी। तो मैं यहां पर जिस चीज की आपसे बात कर रहा हूं वो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा। एक्सेलरेशन का जो टॉपिक आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 16 में, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने के बाद स्पेस में प्रोपेगेट करेंगे। हम चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही हैं वो स्पेस में ट्रेवल करती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाए, उसके लिए हमें जरूरत होती है कि हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं। सो यहां पर याद रखिएगा हमारा चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो भाई एक्सेलरेशन से क्यों नहीं मूव कर सकता, कर सकता है। लेकिन इस चैप्टर में आप ये बात याद रखिएगा कि अगर ये मेरे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल के अंदर मेरे पास चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, जिसे हम करंट कहते हैं आई, तो वो कैसे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 13 का पहला टॉपिक, लेक्चर नंबर 1, मैं आपको बता चुका हूं, दे आर मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो चूंकि इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो चूंकि इनकी वेलोसिटी है, इस वजह से मैं यहां पर कौन सी फील्ड लेकर आ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहा हूं, लेकिन एसोसिएटेड प्रोपेगेटेड नहीं लेकर आ रहा हूं। इसी वजह से मैं यहां पर जो वेलोसिटी की बात कर रहा हूं वो वेलोसिटी की बात इसी वजह से कर रहा हूं, एक्सेलरेशन इसलिए नहीं कर रहा कि जो करंट होता है इट इज प्रोड्यूस बाय, करंट कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन देयर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ये बात क्लियर है। अच्छा, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जो मूव कर रहा है, इसको मैं कह सकता हूं, इसको लिख रहा हूं आइसोलेटेड चार्ज। आइसोलेटेड चार्ज का मतलब ये है कि इस ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके करीब कोई दूसरा चार्ज मौजूद नहीं है। तो आइसोलेटेड चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छी तरह याद रखना, आइसोलेटेड चार्ज प्रोड्यूस बोथ बी एंड ई, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। कौन सा? आइसोलेटेड चार्ज। यहां पर क्या होगा, ये जो मटेरियल मैंने बनाया ये क्या है, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो कंडक्टर में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन फ्लो के करंट की बात करूं, यानी मैं ये कहूं कि ये चार्जेस कौन से हैं, नेगेटिव, मैं पॉजिटिव से भी समझा सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि आमतौर पर जब हम कहते हैं करंट तो हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन थ्योरी में जब हम करंट कहते हैं तो हमारा मतलब होता है कन्वेंशनल करंट, प्लीज ये याद रखिएगा। तो जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो समझने में दोबारा पॉजिटिव इसको लिख दूंगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो मटेरियल में पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं या नहीं है, मौजूद है ना, क्योंकि एटम तो है ना मटेरियल के अंदर। तो मटेरियल के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लो करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। सो याद रखिएगा कंडक्टर में ओनली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो हमारे पास सिर्फ कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं होती है, मेरा ख्याल इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि अगर मैं कहूं कि नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में मौजूद न्यूक्लियस, प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज की जो
ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो न्यूट्रलाइज का मतलब खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। सो यहां पर जो फील्ड हमारे पास नेट बचती है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर मैं आइसोलेटेड चार्ज की बात करता हूं तो आइसोलेटेड चार्ज में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होती है। तो अब इसके बाद इस चैप्टर में हम जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंडक्टर में करंट की बात कर रहे हैं। हमारे इस पूरे चैप्टर में जैसे जैसे मैग्नेटिज्म में हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम कंडक्टर में करंट की बात ही करते रहेंगे। तो चूंकि कंडक्टर है, करंट है, सो वी विल ओनली हैव मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज के इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूट्रलाइज बाय द ऑपोजिट चार्जेस। क्लियर है यहां तक? मेरा ख्याल है थम अप होना चाहिए कि ओके हो गया। यहां तक मैं आपके मैसेजेस भी देख लेता हूं। Yes, this is the first lecture of chapter number 14. Okay. मजीद आगे हम बात करते हैं। Now is the time के हमने ये define करना है कि ये magnetic field क्या है। So हम heading डाल देते हैं किसके बारे में, magnetic field के बारे में, कि magnetic field क्या चीज है। Okay? So, हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं अ फील्ड, एक ऐसी फील्ड दैट एक्सपीरियंस फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस और ऑन अ मैग्नेट। एक ऐसी फील्ड जो कि किसी मैग्नेट पे फोर्स लगाए उसे हम, उस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के ऊपर, क्योंकि मैग्नेट की कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड ही असरअंदाज हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड असरअंदाज नहीं होगी। सो मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करने वाली फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये तो गई एक बात। ये मैंने क्या लिखा हुआ है इसको जरा समझना बहुत जरूरी है। अभी मैंने आपसे कहा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अगर मुझे यहां पर कहना हो, मैं एक क्लेम करूं, मैं कहूं कि जी मेरे इस कमरे के अंदर मेरे इस कमरे के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। मैं सपोज करता हूं मेरे इस तरफ जो दीवार है वो मेरा नॉर्थ है और इस तरफ जो दीवार है वो मेरा साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, मूव करती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये बेसिक क्लासेस के अंदर हम ये बात जानते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को मूव कराता हूं तो मूविंग चार्ज खुद क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। या मैंने क्या बोला था, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, एक मैग्नेटिक फील्ड मेरा मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा। सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दोनों में से कोई काम तो होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो वो जो मूविंग चार्ज है वो इस नॉर्थ एंड साउथ मैसेज स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड नहीं जा सकता। वो जब यहां से जा रहा होगा उसमें फोर्स लगेगी तो उसको अपने रास्ते से डेविएट होना पड़ेगा, अपने रास्ते से उसको हटना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूं इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो मैं एक चार्ज पार्टिकल को इस कमरे से मूव कराऊंगा, और अगर मेरे चार्ज पार्टिकल मूव करते हुए अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है, तो यस देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रूम। लेकिन अगर मैं इस कमरे में से चार्ज पार्टिकल को मूव कराता हूं और वो चार्ज पार्टिकल इस कमरे से मूव करते हुए कहीं भी इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होता, तो मैं कहूंगा इस कमरे में कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। इसी वजह से मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जो कि मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है या मैग्नेट पे फोर्स लगाती है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मूविंग चार्ज पे। तो एक ऐसी फील्ड जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई करे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई बिलीव सो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की कहानी है। मैग्नेट के बारे में कुछ बेसिक बातें जो कि मेरा ख्याल है कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो ये है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकलती है और मूव करके साउथ में जाती है, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है और यहां जाकर खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला आपको जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पे बस यहां जाकर ये क्या हो गई, ये खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। जबकि ये ऐसा नहीं होता,
ये नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है। दूसरा अंक यूनिपोल मैग्नेट, यानी ये तो डाइपोल है, डाइपोल का मतलब दो पोल है, नॉर्थ एंड साउथ। सो कैन आई सेपरेट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, दोनों को अलग कर सकता हूं? तो ऐसा नहीं हो सकता। जब हम नॉर्थ पोल को अलग करते हैं और साउथ पोल को हम अलग करते हैं तो नॉर्थ एंड साउथ अलग नहीं होते। हमने ये देखा है कि नॉर्थ एंड साउथ ये दोबारा से दो मैग्नेट बन जाते हैं। सो यूनिपोल मैग्नेट का हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो प्लेनेटरी लेवल पर यानी एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर यूनिपोल मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। बट लीव इट, हमारे लिए यूनिपोल मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट हमेशा डाइपोल होगा, उसके दो पोल होंगे नॉर्थ एंड साउथ। ओके, सो ये हमारे पास बेसिक बात थी। अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहां तक मैं तो थोड़ा सा वेट करता हूं एंड लेट मी सी योर क्वेश्चंस, योर कमेंट्स, अगर कोई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों की समझ में आ रहा है? आज की जो क्लास है वो एमसीक्यूज के हवाले से नहीं है। आज की क्लास जो है वो सिर्फ और सिर्फ जिस तरह कोचिंग में हम एक चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, हम उस डिटेल में बात कर रहे हैं चीजों के बारे में। ओके, अगर देखें कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव हो सकता है सर, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव हो सकता है, और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि हमें टॉपिक समझ में आ जाता है लेकिन हमें जो चीज समझ में नहीं आती वो ये समझ में नहीं आती कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व होंगे। तो एमसीक्यूज इज अ लॉजिक, तो जो बातें मैं आपको लॉजिकली, जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आपकी समझ में आ रही है तो इसके बाद एमसीक्यू सॉल्व होने चाहिए। और अगर एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे तो इसका मतलब यह है कि आपको थ्योरी सही तरीके से समझ में नहीं आई है, राइट? ये बिल्कुल सीधी सी बात है। आप इसको आप जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के समझें कि नहीं जी मुझे थ्योरी समझ में आती है, समझ में नहीं आती, वो आप कहते हैं आपको समझ में आती है। तो रिचर्ड फेमिन कहता है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही केयरफुल होनी चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा वो शख्स जो कि सबसे पहले बेवकूफ बन सकता है वो आप खुद हैं। तो आप कभी अपने आप को बेवकूफ मत बनाएं, डोंट मेक योर सेल्फ अ फूल, ये रिचर्ड फेमिन का कहना है, नोबेल लॉरेट है, जैसे नोबेल उसको प्राइज मिला हुआ है। सर भारत, तो मेरे कहने का मतलब है कि थ्योरी को अच्छी तरह समझो, थ्योरी को समझो कि क्या क्या रही है, एंड देन देयर विल बी, अगर एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज क्या होगा, उन तमाम बातों में एक खाली जगह होगी या सही है या गलत है, ऐसी कोई बात होगी ना तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। दूसरा, हम चार्ज को कैसे मूव करा सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर एक तार, एक कंडक्टर, एक बिजली का तार यहाँ रखूँ और उसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर लूँ, यानी मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर मैं बाजार से जाकर एक सेल खरीद के ले आता हूँ इस तरह, और मैं एक बिजली का तार उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो नहीं करेगा? ठीक है, तो एक सेल के साथ आप एक तार को कनेक्ट कर दें तो करंट फ्लो करने लग जाएगा, तो चार्जेस फ्लो कर जाएंगे। तो अब उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर किसी मैग्नेट का नॉर्थ और यहां पे मैग्नेट का साउथ आप रखें, सो मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग चार्ज पार्टिकल, तो कहानी बनाई जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम जिस टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पे क्या फोर्स लग रही है उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इस चैप्टर में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, राइट? अच्छा, ये टॉपिक प्रैक्टिकली कैसे है पहले उसको देख लीजिए। ये ऐसे हो सकता है कि मेरे पास कुछ ऐसा मामला है कि ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है और ये उस मैग्नेट का क्या है, साउथ है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैंने कहा था हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहां कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हम आमतौर पे लेते हैं, वो इस तरीके से मूव करता हुआ जा रहा है वेलोसिटी वी से, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर होता है तो एंगल कितना बनाता है, उस एंगल को हम थीटा कह रहे हैं।
तो ये एक प्रैक्टिकल किस्म की बात है जिसकी तस्वीर हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जनाब ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, सपोज के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में इस पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी वी से एंटर होता है। सो एक चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी वी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है जबकि दोनों के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, थीटा। सो हमने अभी ये पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जिसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी वेलोसिटी से एंटर होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स सप्लाई करती है। उस फोर्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं कि वो फोर्स क्या है। एक्सपेरिमेंटली हमने ये बात नोट की है, एक्सपेरिमेंट ने हमें बात कंफर्म की है कि वो जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा अप्लाई होती है। हमने ये बात नोट की है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जितनी ज्यादा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से वो एंटर होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगती है। हमने ये बात नोट की है कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। तो हम एक्चुअली इन तमाम को मिलाकर कुछ इस तरीके से बात करते हैं। हमारे पास जो डायरेक्टली हमारे कोर्स में फॉर्मूला है वो ऐसे दिया हुआ है कि जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू क्यू पैरेंथेसिस वी क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इसमें चार्ज क्यू, क्यू इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज मूविंग विद वेलोसिटी वी and it enters into the magnetic field. तो magnetic field moving charge particle पे force लगाती है, ये तो हमने theory develop की है, उस force को हमने F लिखा है। Now you can see कि velocity और magnetic field ये दोनों आपस में मैंने, ये दोनों vector हैं और दोनों के दरमियान मैंने cross लगाया है। तो vector को याद कीजिए या आप मेरा lecture first year का देख सकते हैं scalars and vector के ऊपर कि cross product की direction हमेशा क्या होता है, right hand rule से हम मालूम करते हैं। राइट हैंड रूल क्या होता है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखें और क्रॉस के बाद दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल कर लें तो आपका थंब आपको क्या बताएगा, जो भी क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर बन रहा है उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर एफ बन रहा है उसकी डायरेक्शन, तो वी क्रॉस बी तो ये आया। अब हवा में तो मैं लाइन लगा नहीं सकता तो ये लाइन हमने लगा ली इस तरह करके ऐसे, तो ये हमने लिखा एफ। अब ये एफ B के साथ या F V के साथ एंगल क्या बना रहा है, तो याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में जो जवाब होता है ये आंसर ये प्रोडक्ट इन दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये F जो है ये 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, B के साथ। ये F 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, V के साथ। या मुझे ये कहना चाहिए कि V और B दोनों पर F क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको कुछ इस तरह समझ लें, अगर ये है एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है ऐसे कर लें। तो मैंने V क्रॉस B अगर किया तो जो परपेंडिकुलर मैं बना रहा हूं यहां पे वो परपेंडिकुलर जो है वो V और B दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके इस तरीके से मैं कह रहा हूं। सो ये बात हम मेरा ख्याल है समझ में आ गई होगी। ओके अब अगर हम यहां से इसको इसके ऊपर से मैंने एरो हटाया तो इसका मतलब है कि मैं क्रॉस हटा रहा हूं। तो जब हम क्रॉस हटाते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, साइन थीटा अप्लाई करते हैं। ये थीटा क्या है, एंगल, किसके दरमियान एंगल है, V और B के दरमियान। ऑब्वियस सी बात है जिन दो के दरमियान क्रॉस लगा है, जिन दो के दरमियान क्रॉस है उन्हीं के दरमियान एंगल होगा ना, तो V और B के दरमियान दिस इज दी एंगल। ओके अब ये बहुत अहम बात बता रहा है आपको, ये अहम बात क्या बता रहा है, मिसाल के तौर पर फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों के लिए मैं जानता हूं कि साइन 0 0 और साइन 180 भी 0 होता है। तो अगर मैं यहां पे साइन 0 रखता हूं यानी एंगल 0 रखता हूं या एंगल 180 रखता हूं तो मेरा पूरा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स कितनी है, 0। ये जरा बात आपने बड़ी अच्छी तरह समझनी है। इस बात का मतलब यह कि मैंने आपसे आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अगर इस कमरे में मैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है और मैं एक चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूं तो मैं अगर चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, या मैं इस मार्कर से रिप्रेजेंट करता हूं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
अगर मेरा चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव करे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन वेलोसिटी की हो, वही डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की हो, तो दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल। और पैरेलल के दरमियान एंगल कितना होता है, जीरो। जीरो का मतलब ये कि फोर्स कितनी लगेगी, जीरो। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जबकि मैंने पहले कहा था जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे वो फोर्स लगाएगा, लेकिन अब कंडीशंस आ गई। उस वक्त ये कंडीशन बताता तो शायद समझ में ना आती, लेकिन अब फॉर्मूले समझ में आनी चाहिए। सो इफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, सो इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब पैरेलल, नो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेगी। इफ द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग opposite to the magnetic field, this is the direction of the magnetic field north से south, और charge particle south से north की तरफ जा रहा है, यानी 180, opposite के दरमियान angle कितना होता है, 180, तो फिर भी कोई force नहीं लगेगी। So अगर आप magnetic field में charge particle को move करा के उस पर चाहते हैं कि force लगे, तो आपको लाजमी तौर पर charge particle को इन दो direction में, यानी parallel and opposite to the magnetic field move नहीं कराना, please, okay? मेरा ख्याल है ये बात समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी कि ये एक अहम कंडीशंस हैं इस फॉर्मूले की। आगे हम बात करते हैं, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम यहां से B की वैल्यू निकालते हैं, दिस B इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम हमारे पास कैसे बनेगी, इट इज क्यू वी और साइन थीटा मल्टीप्लाई, वहां जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। सो एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा। अब हम इसका यूनिट निकालना चाहते हैं, इसका यूनिट निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा इस बी को मैं मैग्नेटिक फील्ड इसके नाम में लिख देता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री भी है, लेकिन विदाउट गोइंग इनटू द हिस्ट्री जरा बात कर लेते हैं। इसका एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड, इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, इसका तीसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तीन नाम है इसके, याद रखिएगा। आमतौर पर रफली तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, लेकिन प्रिसाइसली हम इसको बोलना चाहिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ये इसका नाम है। और तीसरा नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये आगे चलकर आएगा हमारे पास, ओके, ये हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के मेरे पास कितने नाम है, यानी कितने नामों से आ सकती है, दो नामों से मेरे पास न्यूमेरिकल में बहुत इस्तेमाल होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, एक नाम तो ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जब हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं तो इसका यूनिट कुछ और लिखते हैं हम लोग, ये जब वहां पर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, बट कीप इन योर माइंड कि ये दोनों यूनिट सेम होंगे। एक यूनिट जो मैं आज बनाने जा रहा हूं, किसका बनाने जा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन का जो बनाने जा रहा हूं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डिफरेंट यूनिट होगा, ओके। अब इस यूनिट को बनाते हैं, इस यूनिट को हम ऐसे बनाते हैं, कुछ मुझे जगह चाहिए, सो मैं क्या करता हूं, इस सबको मिटा देता हूं जो कि क्लियर होगा आप लोगों को, ओके। सो लेट मी, या मैं ओके इसको मैं रिस कर देता हूं, ठीक है, देखें जनाब। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने बी का यूनिट बनाना है, तो मैं बी के यूनिट बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, ये हमने लिखा। तो फोर्स जो है उसके यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम कैपिटल सी से, वी वेलोसिटी जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा इज ए रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा। तो एज द साइन थीटा इज ए रेशियो सो इट हैज नो यूनिट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ये हमारे पास न्यूटन है, हमारे पास ये जो कूलम है इसको डिवाइड कर दिया सेकेंड से और साथ में लिखा मीटर, तो ये जो डिवाइड का सेकंड था इसको कूलम के साथ लिख दिया, ओके, देन इट इज न्यूटन। और चैप्टर नंबर 13 में हम ये बात पढ़ के आए हैं, किसके बारे में पढ़ के आए हैं, करंट के बारे में पढ़ के आए हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड करंट होता है, और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, और साथ में क्या है मीटर। तो याद रखिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इस पूरी चीज को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नाम देते हैं टेस्ला। टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम है, ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, निकोलाई टेस्ला, एक बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही अमेजिंग किस्म की
पर्सनैलिटी गुजरी है जिसके बारे में बहुत सारी बड़ी कंट्रोवर्सीज भी उसके बारे में मशहूर की है, लेकिन निकोलाय टेस्ला जो था वो बहुत ज्यादा हामी था एसी का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। मेरा ख्याल है टेस्ला के नाम से आजकल एक मूवी भी आई हुई है हॉलीवुड की, यू कैन वॉच दैट मूवी। ओके अच्छा, ओके आगे बात करते हैं। अब ये टेस्ला, अगर मुझे डेफिनेशन करनी हो वन टेस्ला की, कि वन टेस्ला क्या होता है, तो वन टेस्ला की डेफिनेशन बहुत आसानी से की जा सकती है। एक तो मैं इस फॉर्मूले से डेफिनेशन कर देता हूं, फिर मैं तस्वीर से भी करके आपको बता देता हूं, ठीक है, या बल्कि पहले तस्वीर से करते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वन टेस्ला कब होगी, जब एक चार्ज कितना, वन कूलम, वन कूलम का चार्ज, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, वन कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, कैसे, परपेंडिकुलरली एंटर होता है, क्योंकि साइन 90 पर 1 होता है, क्योंकि हर चीज को मैंने 1 1 करना है ना, तो साइन के साथ एंगल कितना लेना पड़ेगा 90, तो साइन 91 होता है, ओके? और उस पर फोर्स लगती है 1 न्यूटन की। हम जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर फोर्स लगती है। तो अगर मैं ऐसे कहूं, देखो अगर मैं ऐसे कहूं, 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है और मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है 1 न्यूटन की, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 1 टेस्ला। सो सिंपल स्टोरी, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंटर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एंड एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ 1 टेस्ला। सिंपल, यहां से अगर आप डेफिनेशन करना चाहें तो हम क्या डेफिनेशन करते हैं, एफ अपॉन क्यू, इसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज किस पर लग रही हो, अप्लाई ऑन ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पर लगनी चाहिए, क्योंकि हम थ्योरी में जिस चार्ज को लाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। सो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज विच इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, v का मतलब है 1 मीटर पर सेकेंड, एंड एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, और मैग्नेटिक फील्ड में थीटा कितना एंगल 90, तो 90 के लिए मैं लव इस्तेमाल कर रहा हूं, परपेंडिकुलरली। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, देन द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ 1 टेस्ला। सो आई बिलीव सो कहीं समझ में आ चुका होगा यहां पर। सो याद रखें हमारा ये वाला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक, ये बड़ा सक्सेसफुली हमारा कंप्लीट होता है, और मेरा ख्याल है कि आपको समझ में बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। आप थम अप भी कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स से भी बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ओके इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि इंडक्शन क्या है, इंडक्शन के ऊपर मैंने चैप्टर नंबर 12 के ऊपर भी बात की थी कि इंडक्शन को हम कहते हैं एक्शन एट ए डिस्टेंस, और एक्शन एट ए डिस्टेंस का मतलब यह है कि मैं खड़ा हूं और मुझसे कुछ फासले पर एक शख्स खड़ा है, मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज वो सुन रहा है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं फौरन मेरी आवाज वो सुन रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, एक्शन एकदम, यानी एकदम से एक्शन हुआ एट ए डिस्टेंस, एक डिस्टेंस पे। लेकिन अगर वो शख्स मुझसे काफी दूर हो और मैं बात करूं तो मेरी साउंड ट्रैवल करते हुए उसकी तरफ जाएगी, सही है, तो साउंड ट्रैवल करके उसके पास पहुंचेगी, तो एक्शन किसी डिस्टेंस पर एकदम नहीं होगा। लेकिन पुराने वक्तों में हमारे पास कॉन्सेप्ट एक्शन एट ए डिस्टेंस का था, उसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमने इसकी जो है वो थोड़ी हिस्टोरिक रीजन भी है, लेकिन मैंने कहा था उसको छोड़ते हुए मैं इसको इंडक्शन को एक्शन एट ए डिस्टेंस ही मानते हुए यहां पर चल रहा हूं। लेकिन इंडक्शन का एक और मतलब भी है, इंडक्शन का मतलब यह है इंड्यूस होना, इंड्यूस होने का मतलब यह होता है कि अगर मैं आऊं और मैं कहूं कि जी आज मैं बहुत खुश हूं और मुस्कुराता हुआ हूं, और अभी मैं आपको यह बताऊं नहीं कि मैं क्यों खुश हूं, और आप मेरी खुशी की वजह से खुश हो जाएं, तो इसे बोलेंगे कि मेरी खुशी आप में इंड्यूस हो गई, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, सही है। इसी तरीके से गम को भी ले सकते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपने साथ मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की प्रॉपर्टी रखती है। अगर आप एक मैग्नेट के साथ वो जो घर में सुइयां होती है ना नीडल, उसको उसके साथ, या पेपर पेन जो होती है उसको उसके साथ चिपका के रख दें कुछ दिन के लिए, तो आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो पेपर पेन दे बिकम मैग्नेट।
सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. ओके, सो ये टॉपिक मैं बिठा रहा हूं. अब हम इस टॉपिक से आगे की तरफ मूव करते हैं एंड लेट मी सी के मुझे लाइव आए हुए कितना टाइम हो चुका है ताकि मैं उसी हिसाब से आगे चलूं. सो दिस इज अ 45 मिनट क्लास, 45 मिनट मुझे हो चुके हैं. मैं ये चाहता हूं कि हम क्या करें, हम इस मौके पर इसको लाइव स्ट्रीमिंग को आज मैं 45 मिनट्स पे यहां रोक दूं ताकि मैं ये चेक करूं कि जिस किस्म की लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, जो साउंड है, जो मैंने लिखा है, उसकी क्वालिटी क्या है. ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा टॉपिक आपको पढ़ा दूं और वो फिर किसी काम के ना रहे. सो हो सकता है कि मैं थोड़ी देर बाद दोबारा लाइव आके आपको अगले टॉपिक के बारे में बताऊं, तो उतनी देर में आप क्या कीजिए, आप इसको दोबारा देखिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू नो माई व्हाट्सएप नंबर 03212458110. सो आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. वो तमाम लोग जो मुझसे फालतू की चीजें शेयर कर लेते हैं, जो फॉरवर्ड मैसेज होते हैं ना कि आप ये फॉरवर्ड करें तो आपको एक आईफोन गिफ्ट हो जाएगा, तो उस तरह की चीजें ग्रुप में या किसी 5-6 बंदों को करनी होती है, मुझे फॉरवर्ड करते हैं, मैं उनको ब्लॉक कर देता हूँ. सो अगर आप चाहते हैं आप ब्लॉक ना हो तो आप जो है वो जो रेलेवेंट स्टफ है, रेलेवेंट चीजें हैं, वो मुझसे आप प्लीज शेयर कीजिए और रेलेवेंट क्वेश्चंस मुझसे पूछिए तो आई विल आंसर यू. राइट, सो इस पे मुझे व्हाट्सएप करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, यू कैन कमेंट मी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि शेयर माय वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग राइट नाउ, सो यू कैन प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि जब लाइक बटन प्रेस करेंगे तो YouTube ज्यादा लोगों को उसको सेंड करता है, जो कि उसका एल्गोरिथम जिस तरह काम करता है. सो इन अ कपल ऑफ मिनट्स आई विल डू माई बेस्ट के मैं इसको चेक करूं एंड आई अगेन कम लाइव एंड कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक. तो मैंने ये चैप्टर जो है आपको इस तरीके से कंप्लीट कराना है. ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़.